हेलो एंड वेलकम टू ऑनबिल टीवी मैं अपना होस्ट आक नर्थ इस्टे थका मानूस स्टेट बाहर दे आ जागदार हो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स स्टेटे ट्रेन जा टेंटी सिक्स ट्रेनस केन्सल कर दी अर्डर उल्किस इतु ट्रेन सर्विसेस तो रेलवे मंत्रालय केसल कैंसल कुरी से कहोर की कि कारण ट्रेन सार्विसेस रीजन करो रिजन आरो कित्या खुलिबो इतु भी यू खबर दिया इतु 26 रेलवे सर्विसेस कैंसल नॉर्थ इस्टे थका अलग अलग एसोसिएशन ट्रेन सर्विसेस खुली डिमांड जानी करनबिल हॉनबिल टीवी रिपोर्टर डीप शायकिया मरियानी ट्रेन स्टेशन लगा डिटेल्स आरो ग्राउंड रिपोर्ट जीरो रिपोर्ट दिया नर्थ ईस्ट के बाहर जाने के लिए मेन साधन था रेलवे और आज रेलवे की एक इंस्ट्रक्शन जो ऑर्डर निकला है उस ऑर्डर से छब्बीस रेल को अभी जो पहले आसाम से नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे राज्यों के साथ जुड़े थे बाहर की दुनिया के साथ आ, आसाम से ये नागालैंड से बहुत सारे राज्यों से जो रेल का साधन थे वो अभी 26 रेल बंद हो चुके हैं एक ऑर्डर अभी निकला है और इस ऑर्डर को मिलने के बाद असम में काफी रिएक्शन आया है और मैं इस वक्त खड़ा हूं मरियनी रेलवे स्टेशन में क्योंकि ये रेलवे स्टेशन नॉर्थ ईस्ट का कॉरिडोर माना जाता था क्योंकि इससे नागालैंड पास में था मणिपुर पास में था बहुत सारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट इधर से कनेक्ट हुए थे और ये मे कनेक्टिविटी थे रेलवे क्योंकि रेलवे एक ऐसा साधन है भारत में जिसको बिलो प्रॉपर्टी लिमिट से बहुत सारे पैसेंजर इसका जो टिकट का जो आ, किराया का जो अमाउंट था वो बहुत कम था इसलिए बहुत सारे आ, गरीब लोग और बहुत सारे मिडिल क्लास लोग रेलवे में सफर करते थे लेकिन अभी नोटिस से अभी अगर आपको बाहर जाना है हॉस्पिटल के कारण में कहीं किरी कारण में अभी अगर आपको बाहर जाना है अभी नोटिस से 26 रेल आज से बंद हुआ है और एक ऑर्डर पास हुआ है और ऑर्डर पास होने के बाद बहुत सारे जो एसोसिएशन है इसके ऊपर में रिएक्शन दे रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए और एक प्राइवेटाइजेशन करने की यह एक नीति सरकार केंद्रीय सरकार का एक नीति है बोल के सब ने जाहिर किया है क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे एयरपोर्ट असम हो या सारे नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे एयरपोर्टों का लिस्ट आया है कि वो प्राइवेटाइजेशन होगा गुवाहाटी एयरपोर्ट भी अडानी ग्रुप को दिया हुआ है और मैं इस वक्त जिस जगह पे खड़ा हूँ मरियानी स्टेशन में मेरे साथ बहुत सारे दल संगठन के व्यक्ति उपस्थित है मैं सीधा पूछना चाहूँगा नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट होने के लिए मेन साधन था रेलवे अभी ऐसा एक ऑर्डर निकला है और कब ये रेल शुरू होगा उसमें भी कोई मेंशन नहीं है 26 रेल को मेन मेन रेल को इधर से डिस्कनेक्ट कर दिया है क्या रीज़न है और आप एक एसोसिएशन के नाते इसको क्या विचार से लेंगे बड़ी ही दुर्भाग्य की बात है कि हमारे एक साधन जो रेल के द्वारा हम दिल्ली तक जाते हैं कहीं हमारे यहाँ छात्र पढ़ते हैं बाहर कोई नौकरी के लिए गए हुए हैं हम इसको मानते थे कि ये थोड़े ही पैसा में हम जा सकते लेकिन आज हम ये सुना कि ये बहुत हमें आ, बुरा लगा कि हमारे लिए जब सोचना चाहिए भारत सरकार जब सोचना चाहिए वहीं रेल मंत्रालय ने हमारे लिए ये 26 रेल हमारे बंद कर दिया यहाँ से रिसोर्स ले जा रहा है कोयला ले जा रहा है तेल ले जा रहा है खनिज पदार्थ इतना ले जा रहे हैं उनके लिए बढ़ा रहा है वो ट्रेन दे रहे हैं लेकिन हमारे लिए क्यों नहीं देखा जा रहा है पैसेंजर ट्रेन को वो लोग ने बातिल किया है लेकिन इंस्टेड ऑफ देट जो बूगी है सामान लोड़ने वाला जैसे मिनरल रिसोर्स का बात बोला है और नागालैंड हो मणिपुर हो सात बहुत सारे राज्यों को मेन कॉरिडोर था मोरियनी स्टेशन जैसे डिमापुर में भी था ये सब अभी बंद हो जाएंगे पब्लिक जब जाने के लिए सोचेंगे तो उन लोग को गाड़ी नहीं मिलेगा ऐसे क्या क्या दुविधा आएंगे वही वही हमारे अभी बीमार बीमार ट्रीटमेंट के लिए हम चेन्नई जाते हैं एम्स जाते हैं डेली जाते हैं अब हम जाएंगे कहां कैसे जाएंगे कौन सा हम जा नहीं सकते हम हम बिलो प्रॉपर्टी के के लेवल के आ, आ, लोग हैं हम। यहां से नागालैंड जुड़ा हुआ है मणिपुर जुड़ा हुआ है यह भी जाते थे मिजोराम भी जुड़ा हुआ है लेकिन इनको अभी तो साधन मिलेगा नहीं लेकिन रिसोर्स ले जाने के लिए उनको बहुत साधन बढ़ाया हुआ है इसलिए रेल मंत्रालय को हम दावी कर रहे हैं कि जितने हो यह सर्विस जो बंद किया हुआ है हमको दे आसन नहीं तो हमारा टी ट्राइव स्टूडेंट हम तो इसके लिए आंदोलन छेड़ देंगे इसके भी, भी, इसके बी बी बिहाइंड द पिक्चर में ये इसका क्या स्टोरी इस हो सकता Behind है बिहाइंड द पिक्चर तो यही स्टोरी है कि ये व्यक्तिगत सबको प्राइवेटेशन करे और उनको तो दे दे ताकि जो पैसा मिले वो सला अपने पॉकेट में घुसा दे यही बात चल रहा है इससे तो और कोई नहीं हमको बेवकूफ़ मत बनाइए हमको मजबूरी मत कीजिए हम लोग को जितना हो सके हम लोग को दीजिए सहाय कीजिए ये बिलो वो लेवल जो आप मोदी जी जो कहते हैं कि हम लोग दरिद के विचार में हैं, उनके साथ हैं, सबके साथ सबके विकास है ऐसे करेंगे बोल के बोलाए लेकिन आज तो देखते हैं कि छब्बीस रेल उन्होंने बंद कर दवा दिया तो हमारे लिए कुछ सोचे अगर वो लोग नहीं सोच पाए तो हमारे लिए छोड़ दे या उसका चौकी छोड़ दे ताकि कोई दूसरा आए और हमारे लिए कुछ सोचे और ये बहुत अफसोस की बात है जो रेलवे साधन था नॉर्थ ईस्ट को जुड़ने के लिए बहुत सारे रेल इधर में, इधर में से गुजरते थे लेकिन अभी नॉर्थ ईस्ट से अगर आपको बाहर जाना है तो ऐसा रेल आपको नहीं मिलेगा छब्बीस रेल बातिल हो गया है और इसके लिए जोरहाट के स्थित जो मरियानी स्टेशन जो नॉर्थ ईस्ट का कॉरिडोर माना जाता है इससे जाफ्टी सिक्सटी किलोमीटर जाके नागालैंड का डिमापुर स्टेशन है अभी डिमापुर में भी डिमापुर से भी अगर आपको बाहर जाना है हॉस्पिटल के कारण में अन्य किसी कारण में आपको जो सिलेक्टेड ट्रेन थे अभी नहीं मिलेंगे इसके लिए मरियानी के हो, हो या नागालैंड के हो जो जो मेन मेन कॉरिडोर थे इधर से नागालैंड का बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट जुड़े थे जो एकमात्र साधन था बिलो प्रॉपर्टी लिमिट के लिए रेलवे का ट्रांसपोर्ट और रेलवे ट्रांसपोर्ट अनिवार्य कारण पे अभी जो 26 ए को বাতিল किया और कब खुलेगा इसका कोई नोटिस अभी तक नहीं दिया है किस कारण से बंद हुआ है वो, वो भी नहीं हुआ है और इसके पीछे प्राइवेटाइजेशन होने का इंगित बहन करता है बोल के हम लोग को जानने के लिए दिया है और आज हॉर्नबिल मंडियानी स्टेशन में खड़ा है और मैं पूछना चाहूंगा ये जो रेलवे का मेन साधन है Notice को जुड़ने के लिए एकमात्र साधन था रेलवे लेकिन 26 रेल को बिना किसी कारण रीजन दिखाते हुए उसने सरकार ने रेल मंत्रालय ने बातिल करे। क्या बोलना चाहेंगे सुनिए अभी जो रेलवे है वो हाई कास्ट फैमिली का भी हो मिडिल कास्ट फैमिली का पोअर फैमिली का सबके लिए रेलवे ही एकमात्र साधन था नॉर्थ ईस्ट के लिए आदमी के लिए अब से मरिनी एक एक गुरुत्वपूर्ण इतना इम्पोर्टेंट स्टेशन है यहाँ से आप जाएंगे तो नागालैंड मिलेगा आपको वहाँ पर सांगकी मिलेगा ट्वेन सांग मिलेगा और मुकुटसुंग डिस्ट्रिक्ट मिलेगा वहाँ से सभी नागा लोग स्टूडेंट लोग यहाँ पे आते हैं जब बेंगलोर में पढ़ते हैं ये लोग चेन्नई में पढ़ते हैं दिल्ली में पढ़ते हैं और जब मेडिकली भी जाते हैं ना चेन्नई में जाते एम्स में जाते हैं हम लोग आसाम के आदमी भी अब जोरहाट हो या शिवसागर हो सभी डिस्ट्रिक्ट से आके गुलाघाट हो वो तो लोग आके यहाँ से दिल्ली और एम्स में पढ़ने के मेडिकल लिए जाते हैं और पढ़ने के लिए जाते हैं और कोई कोई भी अपने बिजनेस के कारण भी जाते है ये मोरिनी स्टेशन एक तो खास स्टेशन था इन सब नॉर्थ ईस्ट के लिए अरुणाचल के लिए भी अपनी अभी गुवाहाटी जो चेन्नई एक्सप्रेस वो बंद हो कर दिया बमपुटक मेल बंद कर दिया बेंगलोर एक्सप्रेस सप्ताह में एक दिन चल रहा है अब से शुक्रवार को बेंगलोर एक्सप्रेस चल रहा है वो इम्पोर्टेंट चीज है बेंगलोर एक्सप्रेस को आप आप लोगों को प्रतिदिन करना चाहिए हर दिन बेंगलोर एक्सप्रेस चलना चाहिए चेन्नई एक्सप्रेस जो अभी डिब्रूगढ़ से डिब्रूगढ़ से लखीमपुर होके गुवाहाटी होके जा रहा है अभी अभी आप सोचिए यहाँ से जो जुरहाट होके और जुरहट होके जो गुवाहाटी का एक तो ट्रेन था वो भी बंद कर दिया अभी अपशीस को बात है नॉर्थ ईस्ट का मेन जो साधन था वो डिस्कनेक्ट कर दिया है। और ये मैं आपको बोलना चाहूंगा ये जो मरियानी स्टेशन एक स्टेशन नहीं नॉर्थ ईस्ट का कोरिडर माना जाता था क्योंकि बहुत सारे फैमिली का एकमात्र साधन था मरियानी स्टेशन और नागालैंड का बहुत सारे डिस्ट्रिक्टों के साथ जुड़े हुए थे लेकिन इसके पीछे प्राइवेटाइजेशन होने का हिंट आता है और इसी को लेके आसाम में हो या नागालैंड में हो अभी एक रिएक्शन आया है जिस समय में पैसेंजर ट्रेनों को बातिल करके मिनरल रिसोर्स ले जाने के लिए ट्रेन की संख्या बढ़ा रहा है यह बहुत अफसोस की बात है बिलो पॉवर्टी लिमिट का जो मिडिल क्लास हो चाहे हाई क्लास हो एकमात्र साधन था रेलवे और इस रेलवे को बंद होने के बाद बहुत सारी दुविधाओं में पड़ सकते हैं नॉर्थ ईस्ट का पैसेंजर लोग और क्योंकि बहुत सारे मोस्ट ऑफ द ट्रेन रनिंग फ्रॉम मरियानी दिमापुर टू एंटायर इंडिया तो इसके वजह से बहुत सारे दुविधा पड़ सकते हैं और आज हॉर्नबिल टीवी का इस ग्राउंड जो है स्टेशन जो कि माना जाता है मरियानी स्टेशन से बहुत सारे ट्रेन दिल्ली जाता है चेन्नई जाता है भाया डीमापुर होके अभी वो ट्रेन आप लोग को नहीं मिलेंगे क्योंकि ये ट्रेन केंद्रीय रेल मंत्रालय ने बंद कर दिया और कब खुलेगा उसका भी कोई ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स ऑथेंटिक ऑर्डर अभी तक नहीं दिया इसके पीछे क्या कारण है प्राइवेटाइजेशन होने का कारण है क्या अन्य कोई कारण से ये बंद किया है अभी तक कोई इसके ऊपर में केंद्रीय रेल मंत्रालय ने कोई जानकारी नहीं दी है और यह है रेलवे स्टेशन में 26 रेलों को बतील करने के बाद इधर का रिएक्शन में अभी स्टेशन में जो रिएक्शन अभी आया है ऐसे असम के बहुत सारे स्टेशन हैं नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे स्टेशन की जो मेन मेन कॉरिडोर माना जाता था अभी आप जाने के लिए अगर ट्रेन की सिलेक्टेड जो ट्रेन था उसको आपको नहीं मिलेंगे आपको भाया किसी अन्य साधन जोड़ना पड़ेगा जो कि सबके लिए स, आ, संकुल नहीं होगा क्योंकि रेलवे का जो फेयर होता है हर क्लास फैमिली के लिए आ, जाहिर होता था ये जो उन का फेयर था टिकट का जो रेट था वो सबके लिए एप्लीकेबल था कंफर्टेबल था लेकिन उसके इंस्टेड ऑफ उसके अन्य साधन करने के लिए आदमी लोग झमेले में पड़ेंगे और ये था मरियानी स्टेशन से आज हॉर्नबिल भी आके इधर पहुंचा ये था रिएक्शन और नागालैंड में भी हो या ऐसा नोटिस का सब जिस जिस डिस्ट्रिक्ट में रेलवे से कनेक्ट होते ये सब पब्लिक दुविधा में पड़ेंगे और बाकी के बाद इसके बाद रेलवे मंत्रालय क्या करते हैं उसके अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हॉर्नबिल टीवी से थैंक यू फॉर वाचिंग हॉर्नबिल टीवी मैं हॉर्नबिल टीवी रिपोर्टर दीप सैकिया असम